अंदर गए हैं, अमित जी आए थे, हम भी अंदर गए। अंदर जाने के बाद पुलिस वालों ने मारा, ऐसा मारा मुझे, मारा अमित जी साहब के सामने मारा। और किस किस को मारा है? मुझे अभी फिलहाल तो मैं अंदर गया, मुझे मारा। कैमरा भी छीना आपका? कैमरा भी रख लिया था, अब भी कैमरा मिला है। कहाँ छोटा ही आपको हाथ में डंडे मारे, गिरा दिया नीचे, हमने आपके सामने गिरा। कैमरा तो नुकसान नहीं हुआ? कैमरा फूटा आपका? कैमरा तो पहले छीना लिया था, कैमरा ऐसा गिराया और छीन लिया, अभी कैमरा दिया मेरे को। ठीक है, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हो? यही करना है, पुलिस की कितनी दादागिरी चल रही है आजकल, पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार भी घर के अंदर महसूस नहीं है, गुंडागर्दी चल रही है। कल से कोई पत्रकार अपनी कलम नहीं उठा पाएगा, कोई फोटोग्राफर फोटो नहीं खींच पाएगा, कोई अपना वीडियोग्राफर कोई अपना शॉट नहीं बना पाएगा। आप समझो, सरकार की पुलिस की प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। कल से कोई भी कलमकार 10 बार सोचेगा किसी के खिलाफ खबर लिखने में, सरकार के खिलाफ। इस तरीके से किसी के घर पर छापा, सीधा सीधा दिख रहा है कि हनी ट्रैप में जो खुलासे किए गए हैं लोकस्वामी द्वारा, उसके बाद एक पत्रकार एक के कलम को दबाने के लिए ये सब कुछ आधी रात को यहाँ पर प्रेस के अंदर घर के अंदर उनके प्रतिष्ठानों में छापे डाले गए, गुंडागर्दी की गई है, लट चलाए गए हैं, कैमरे छीने गए हैं, जिसमें 3-4 पत्रकार घायल हुए हैं।